आपको कट डाउन जरूर करना चाहिए। आप अपने कुकिंग में टेबल सॉल्ट का कम से कम यूज करिए। ओके और खासकर जो आप ऊपर का जो सॉल्ट है जो कई लोग सैलड्स के अंदर डाल लेते हैं तो वो आपने जरूर कम करना है। ओके और तीसरी बात कि इनहेरेंट सॉल्ट, जैसे हम कहते हैं ना कि जो सॉल्ट दिखता नहीं है लेकिन उसमें काफी अमाउंट में सॉल्ट होता है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इनडायरेक्ट सोर्स है एक तरह से सॉल्ट का। या बिल्कुल, जैम, केचप, आपकी चटनी, आपका पापड़, आपकी सॉसेजेस और इवन कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं, कैन जो टिन प्रोडक्ट होते हैं आपके, कैन प्रोडक्ट होते हैं, ये सारे के सारे इनहेरेंट सोर्सेज हैं जिसमें हम सोच भी नहीं सकते कि इसके अंदर सॉल्ट होता है कई बार। तो ये सब चीजें आप जितना हो सके इन्हें अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। तो अगर हम चौथा कॉम्प्लिकेशन अगर एक तरह का लेना चाहें इज अ डायबिटीज, जिसके अंदर बिल्कुल ये डायबिटीज उन लेडीज में, खासकर उन प्रेग्नेंट लेडीज में देखा जाता है जो अपना बहुत ज्यादा वेट पुट ऑन कर लेती हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जितना नहीं होना चाहिए। तो मैंने जैसे ही पहले भी बता चुकी हूँ कि एक आइडियल बॉडी वेट हर किसी के अलग अलग होता है, और उससे कम करना वेट पुट ऑन करना, उससे ज्यादा वेट पुट ऑन करना, दोनों ही खतरनाक है। तो डायबिटीज ज्यादातर उन लेडीज में देखा जाता है जो अपना ज्यादा वेट पुट ऑन कर लेती हैं जितना उन्हें नहीं करना चाहिए था प्रेगनेंसी के दौरान। तो उसमें उनका ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। तो खासकर इन्हें डायबिटीज का सीधा असर, आप जैसे मैंने बोला कि सीधा असर आपके बच्चे पे होगा, तो उसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो अगर हम डाइट की बात करें कि हम डाइट से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो ऐसी लेडीज को हमेशा स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने चाहिए, ना एक बारी में ज्यादा खाएं और ना ही मील को स्किप करें। और हमेशा अपनी डाइट में फाइबर और प्रोटीन दोनों को ऐड करें, क्योंकि ये दोनों ही एक ऐसी चीजें हैं जो आपके ग्लूकोज रिस्पांस को, यानी कि ग्लूकोज रिलीज करने वाली टेंडेंसी को, क्योंकि जब जो भी आप खा रहे हैं वो बॉडी में, खासकर कार्बोहाइड्रेट जो भी आप खाते हैं वो जाके बॉडी में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तो उसके रिस्पॉन्स के ये दोनों ही कम कर देते हैं, धीरे रिलीज करते हैं ग्लूकोज को, जिससे आप डायबिटीज के खतरे से बच सकते हैं। तो अगर मैं अगर सोर्सेज की बात करना चाहूँ यहाँ पे प्रोटीन और फाइबर की, तो बिल्कुल आप अपने आटे में जितना हो सके ब्रान मिलाइए अपने आटे में, व्हीट ब्रान है, ओट ब्रान है, या आटे को छानिए मत अगर आप सिंपल आटा भी यूज कर रहे हैं। प्रोटीन का अगर हम सोर्सेज लें तो आप सोयाबीन ऐड कर सकते हैं अपने आटे में, बेसन ऐड कर सकते हैं, दालें मिला सकते हैं। तो ये आप इस तरह से वेजिटेबल की स्टफिंग करके खा सकते हैं अपने चपातीज में, या बहुत अच्छा अमाउंट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाइए अपने उसमें। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं जो एक डायबिटिक प्रेग्नेंट लेडी को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए और इस तरह की डाइट अपनी शामिल करनी चाहिए, तो आप बहुत बड़े खतरों को भी इवन कंट्रोल कर सकते हैं इस दौरान और एक अच्छी हेल्दी बेबी को जन्म दे सकते हैं। तो हिमानी, आप अब हमें एक प्रेग्नेंट लेडी के एक दिन के डाइट प्लान के बारे में थोड़ी जानकारी दें। बिल्कुल श्रेया, मैं आपको जरूर एक दिन का डाइट प्लान बताना चाहूंगी कि जो एक प्रेग्नेंट लेडी को लेना चाहिए। अक्सर एक्चुअली क्या होता है कि हम ये सोच नहीं, ये तो हमें पता होता है कि विटामिन ए लेना है, विटामिन बी लेना है, ये भी हमें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, ये फ्रूट भी खाना चाहिए, पर हम किस तरह से उसे अपनी डाइट में लें ये हम लोगों के लिए एक सरदर्द बन जाता है, खासकर प्रेग्नेंट लेडी के लिए। वो डिसाइड नहीं कर पाती कि हम ब्रेकफास्ट में क्या खाऊं, मैं लंच में क्या खाऊं, मैं पालक तो खाना चाहती हूं पर कैसे उसे अपने डिश में इंक्लूड करूं। तो मैं जरूर आपको बताना चाहूंगी कि आप एक मील प्लानिंग कैसे कर सकते हैं एक प्रेग्नेंट लेडी की, या आप कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो अपने ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में ले सकते हैं जिससे आप बोर भी ना हो, क्योंकि कई बार देखा गया है नौजिया और वॉमिटिंग की वजह से जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनका खाने का मन नहीं करता। क्या मैं और कुछ ब्यूटीफुल या अट्रैक्टिव सा बताऊं, क्योंकि पैलेटेबिलिटी और इवन जो फर्स्ट आप कोर तोड़ने की जो कहते हैं ना, हम बात करते हैं कि हम खाना खाना चाह रहे हैं तो हम देख के ही किसी चीज को खाने का मन करता है हमारा। तो बिल्कुल एक अट्रैक्टिवनेस होना भी बहुत जरूरी है खाने के लिए, तो कुछ कलरफुल आइटम बनाना भी बहुत जरूरी है। तो मैं जरूर आपको एक दिन का डाइट प्लान बताना चाहूंगी जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग वेरिएशन कर सकते हैं, तो पर हाँ कि उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड हों आपके डेली डाइट में, ऐसा मैं आपको डाइट प्लान जरूर बताना चाहूंगी। तो अगर हम स्टार्ट करें दिन की शुरुआत की कि अर्ली मॉर्निंग आपको क्या शुरुआत करनी चाहिए, तो अर्ली मॉर्निंग अगर जिन लोगों को नौजिया और वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है तो उन्हें, जैसे मैंने बोला कि उन्हें सुबह उठते ही कुछ ना कुछ कार्बोहाइड्रेट फूड लेना चाहिए, तो दिन की शुरुआत वो अपना बिल्कुल बिस्किट से करें और या फिर एक ब्रेड के टोस्ट से करें, तो साथ में थोड़ा सा मिल्क ले लें, तो दिन की शुरुआत ही आपकी एक थोड़े से मिल्क और बिस्किट से होगी। तो अगर हम ब्रेकफास्ट की बात करें कि ब्रेकफास्ट में एक प्रेग्नेंट लेडी को किस तरह के वेरिएशन रखने चाहिए,
तो अगर हम बात करें कि अब उसने प्रोटीन भी लेना है अपने मील में, अपने कार्बोहाइड्रेट भी लेना है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल भी लेने हैं, तो किस तरह से वो अपने खाने को मोल्ड करे, तो इसमें हम सबसे पहले आएगा अगर एक वेजिटेरियन या एगिटेरियन आप तो कह सकते हैं, क्योंकि आजकल ज्यादातर लोग एग्स लेने लग गए हैं अपनी डाइट में, तो अगर एग खाती है प्रेग्नेंट लेडी तो बिल्कुल एक वेजिटेबल ऑमलेट बना सकती है. ओके. अगर हम लंच की बात करें तो अगर आयरन रिच अगर हम देखें तो स्पिनच इज अ वेरी गुड आयरन रिच प्रोडक्ट. जो मैंने बोला आयरन प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, तो हम जैसे पालक पनीर खा सकते हैं. यहाँ पे पनीर आपका प्रोटीन सोर्स आ गया, पालक आपका फाइबर एज वेल एज आपका आयरन सोर्स आ गया. तो एक पालक पनीर की सब्जी ले सकते हैं आप, स्टफ टमाटो बना सकते हैं साथ में, कलरफुल हो जाएगा, ग्रीन आ रहा है, रेड आ रहा है, क्योंकि एक कलरफुल होना मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है खाने के को अट्रैक्टिव बनाने के लिए. तो एक पालक पनीर हो गया, स्टफ टमाटोज हो गए, मिंट रायता हो गया या अनियन टमाटो रायता हो गया, राइस ले सकते हैं. राइस के को भी अगर आपका मन नहीं कर रहा, मेरा व्हाइट राइस खाने का मन नहीं कर रहा है, तो यू कैन सॉटे विद देम वेजिटेबल्स के साथ सॉटे कर सकते हैं. साथ में चपाती अगर आपको प्लेन नहीं पसंद है, यू कैन स्टफ द चपाती. तो बीट रूट बहुत कलरफुल है, आयरन रिच है, तो इवन बीट रूट की स्टफिंग कर सकती हैं लेडीज इस दौरान. और साथ में सैलड ले सकते हैं. तो ये आपका एक परफेक्ट लंच आपका जो बन जाएगा कि आपको ऐसा लंच लेना चाहिए. शाम की अगर हम बात करें कि इवनिंग स्नैक्स में क्या होना चाहिए, तो इवनिंग स्नैक्स में कई लोग भेलपूरी खाना पसंद करते हैं, तो चना मुरमुरा की भेलपूरी बना सकते हैं आप उस दौरान. तो भेलपूरी में भी मैं ये कहना चाहूंगी कि आप फाइबर ऐड करिए, नमकीन ना डालिए, क्योंकि जितनी भी बाहर की नमकीन आती हैं दे हैव अ वेरी स्पाइसी, जिसे कह सकते हैं उसके अंदर फ्लेवर और टेक्सचर डालने के लिए बहुत ज्यादा स्पाइस डाला गया होता है. तो ऐसी चीजें खासकर प्रेग्नेंट लेडी को नुकसान पहुंचा सकती हैं. तो जितना कोशिश हो सके रोस्टेड नमकीन या घर की घर पे ही चना मुरमुरा रोस्ट करके उसी के अंदर आप अनियन टमाटो कुकम्बर डाल के ले सकते हैं. इवन कई लोगों को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है तो उन्हें हाई पोटेशियम फूड्स लेने चाहिए. पानी का जैसे मैंने बोला कि हर लेना चाहिए, तो आप जूसेस रख सकते हैं इस दौरान, कई तरह के जूसेस, वेजिटेबल जूसेस रख सकते हैं. कुकम्बर जूसेस अ वेरी हाई पोटेशियम प्रोडक्ट. इवन ऐसी लेडीज सुबह के टाइम बार्ले वाटर ले सकती हैं, क्योंकि जौ जो है वो बहुत ही एक तो लाइट है, इजिली डाइजेस्टेबल है और हाई पोटेशियम है. जौ का पानी पी सकती हैं, तो वाटर रिटेंशन की जितनी प्रॉब्लम है, जिनको स्वेलिंग आ रही है एंकल्स में, वो जो आपका एक्स्ट्रा वाटर रिटेन हो रहा है बॉडी के अंदर वो निकल जाएगा. बार्ले का सत्तू आप ले सकती हैं. बार्ले को आप इवन दलिया आजकल मार्केट में अवेलेबल है बार्ले का, तो वीट दलिया की जगह यू कैन हैव अ बार्ले दलिया, वो आप ले सकती हैं. अपने आटे में आप बार्ले ऐड कर सकती हैं. तो ये बार्ले को ऐड करने के बहुत अच्छे तरीके हैं जो आप कर सकती हैं. इवन कोकोनट वाटर इज अ वेरी हाई पोटेशियम प्रोडक्ट, तो आप शाम के टाइम कोकोनट वाटर पी सकती हैं. स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है. वैसे भी बहुत सारे तरह के विटामिंस और मिनरल्स उसमें होते हैं. अगर डिनर में हम बात करें प्रोटीन सोर्स की, अगर हम क्या लेना चाहिए, तो आप कोई भी दाल खा सकती हैं. अगर आपको दाल खाने से प्रॉब्लम है या आप लगता है कि और कोई प्रोटीन सोर्स हम ले सकते हैं, तो आप सब्जी में पीज और बीन्स एक ऐसा सोर्स है जो कि हाई प्रोटीन है, जो अपने आप डेली रूटीन में ऐड कर सकती हैं. आप आलू मटर की सब्जी खा सकती हैं, आप बीन्स ले सकती हैं, इवन आप सोयाबीन खा सकते हैं. सोयाबीन इज अ 40% प्रोटीन जिसके अंदर होता है, तो और बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का. आप सोयाबीन की करी बनवा सकते हैं. साथ में आप टिंडा खा सकते हैं, इट्स अ ग्रीन लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में आ जाएगा आपका. तो आप स्टफ टिंडा खा सकते हैं, टिंडे की सब्जी बनवा सकते हैं. लाइट खाना चाहते हैं तो तोरी टिंडा से बेटर कुछ भी नहीं है जो आप ले सकते हैं. देन साथ में अगर आप कफ प्रवृत्ति के नहीं है या आपको कर्ड से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है रात के टाइम पे, यू तो यू कैन हैव अ कर्ड ऑल्सो. कोई भी आप रायता बना सकते हैं उस टाइम पे. एंड साथ में आप चपाती ले सकते हैं. तो ये आपका अर्ली डिनर जो मैं आप बात कर रही थी वो हो जाएगा. देन अगर आपको लगता है कि यू फील समथिंग हैविंग आफ्टर द डिनर ऑल्सो, एंड मीठा की क्रेविंग होती है कई लोगों में इस दौरान, तो बिल्कुल आप एक फ्रूट कस्टर्ड बना सकते हैं. कहीं भी आप, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आपको कुछ रिस्ट्रिक्शन रखना है, आप सब कुछ खा सकते हैं अपने मन मुताबिक, लेकिन हाँ बिल्कुल हेल्दी चीजों को उसके साथ एड ऑन करना मत भूलिए. अगर आप कस्टर्ड भी खा रहे हैं तो उसके अंदर फ्रूट्स डालिए. फ्रूट्स आपके अपनी मनपसंद के डाल सकते हैं. स्ट्रॉबेरी है, कलरफुल बना सकते हैं, उसके अंदर ग्रेप्स डाल सकते हैं, एप्पल डाल सकते हैं, पपाया डाल सकते हैं, बनाना डाल सकते हैं. तो इट्स अ वैरायटी ऑफ फ्रूट, वी हैव अ डिफरेंट कलर ऑफ फ्रूट्स. और मैं यही बोलना चाहूंगी कि लेडीज को समझ नहीं आता मैं किस कलर का खाना, कौन किस कलर का फ्रूट खाऊं, तो हम ये कहेंगे कि हर कलर ही ऐड कर लीजिए अपने खाने में, चाहे वो पर्पल है, रेड है, क्योंकि
इवन कलर के अकॉर्डिंग भी आपके फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स चेंज होते रहते हैं. तो आप पर्पल भी ऐड करिए, ग्रेप्स, ब्लैक ग्रेप्स आ रहे हैं, ब्लैक ग्रेप्स ऐड कर सकते हैं, रेड कलर में स्ट्रॉबेरी ऐड कर सकते हैं, इवन व्हाइट के अंदर आप अगर मशरूम अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, अगर आप बीन्स और पीज आपके ग्रीन के अंदर आ गए, ऑरेंज कलर में सिट्रस फ्रूट खा सकते हैं. तो जितना कलरफुल आप अपनी डाइट को बना सकते हैं, तो कुछ भी भूल जाइए कि मेरे को ये नहीं पता कि इसमें क्या है, इसमें क्या है. आप कुछ भी मत सोचिए, आप सिर्फ कलरफुल बनाइए अपनी डाइट को. जितना कलरफुल बनाएंगे उतने ही न्यूट्रिएंट्स अपनी डाइट में लेंगे, उतने ही वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स अपनी डाइट में लेंगे. तो इस तरह से मैं कहना चाहूंगी कि श्रेया, कि एक प्रेग्नेंट लेडी इन सब न्यूट्रिएंट्स को ऐड करके एक हेल्दी और नॉर्मल बच्चे को जन्म दे सकती है, और खुद भी किसी भी तरह वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स अपनी डाइट में लेंगे. तो इस तरह से मैं कहना चाहूंगी कि श्रेया, कि एक प्रेग्नेंट लेडी इन सब न्यूट्रिएंट्स को ऐड करके एक हेल्दी और नॉर्मल बच्चे को जन्म दे सकती है, और खुद भी किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेशन से दूर रह सकती है. तो मानी, हमारा एपिसोड यहीं खत्म होता है. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस.